हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है, उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो हेनरी फियोल ने हमारे सामने 14 प्रिंसिपल को इंट्रोड्यूस करवाया था, तो हम उसके बारे में आगे देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को देखते हैं, जिसमें वो बोलता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में होता क्या है, तो वो बताते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक ऐसा गाइडलाइन है जो कि मैनेजर्स को बताता है कि उसे कैसा बिहेव करना चाहिए अपने सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स के साथ, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी बिजनेस है, वो अच्छे से रन हो सके। वही अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू जी आर टेरी ने बोला, प्रिंसिपल इज अ फंडामेंटल स्टेटमेंट और ट्रुथ प्रोवाइडिंग अ गाइड टू द थॉट और एक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो होता है वो फंडामेंटल स्टेटमेंट होता है, मतलब कि इसको कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता है, ये हमेशा फिक्स होता है और इसका रिजल्ट हमेशा एक जैसा ही होता है। और ये एक आपको गाइडलाइन देता है कि आपको कैसे और क्यों काम करना है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो सके। अगर हम यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट देखते हैं, तो मैंने आपको पहले बताया कि इन्होंने हेनरी फियोल ने 14 प्रिंसिपल को इंट्रोड्यूस करवाया था, जिससे कि वर्क प्लेस पे वर्किंग सिचुएशन बनी रहे और लोग अपने काम को अपनी जिम्मेदारी के साथ अच्छे से पूरा कर सके। तो इसमें सबसे पहला जो है वो है डिविजन ऑफ वर्क। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, एज फार एज पॉसिबल द होल वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट एंड ईच इंडिविजुअल शुड बी असाइन ओनली वन पार्ट ऑफ द वर्क अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन को सभी काम को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। हर एक इंडिविजुअल को, हर एक एम्प्लॉय को एक काम दिया जाता है जो उसकी एबिलिटी के आधार पे दिया जाता है कि वो क्या कर सकता है और कितना कर सकता है। वही अगर हम लोग दूसरे पॉइंट की बात करें तो ये है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो हैंड इन हैंड। इट मीन्स दैट व्हेन अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल गिवन अ पर्टिकुलर वर्क एंड ही इज मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजल्ट, दिस कैन बी पॉसिबल ओनली व्हेन ही इज गिवन सफिशियंट अथॉरिटी टू डिस्चार्ज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सेकेंड पॉइंट में ये बोलता है कि जब भी हम किसी वर्कर को या किसी इंप्लॉय को काम देते हैं, तो उसके साथ ही हमको उसको अथॉरिटी भी दे देना चाहिए, उसको अधिकार भी दे देना चाहिए कि वो अपने हिसाब से अपना काम को कंप्लीट करे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर एक इंसान दूसरे इंसान को इंस्ट्रक्शन दिया और उस इंस्ट्रक्शन के आधार पर ही वो इंसान काम करता है, तो इसमें जो भी गलती होगी तो वो जो इम्प्लॉय जो काम कर रहा है वो सीधा ही बोल सकता है कि मैंने ये काम अपने सुपीरियर के ऑर्डर के हिसाब से किया। इसलिए जब भी हम किसी को काम देते हैं तो उसको पूरी अथॉरिटी दे देनी चाहिए, ताकि वो अपना काम कंप्लीट करके उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले कि ये जो भी गलत सही है वो मैंने अपने हिसाब से किया है, तो इसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा होगा। वहीं अगर हम लोग तीसरे पॉइंट की बात करें तो डिसिप्लिन, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द ऑर्गेनाइजेशन रूल एंड एम्प्लॉय अग्रीमेंट शुड बी अवॉइड बाई दी बोथ सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स विच आर नेसेसरी फॉर दी सक्सेसफुली वर्क ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें बोल रहा है कि जब भी कोई इम्प्लॉय कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जाता है तो एक अग्रीमेंट बनता है इम्प्लॉय और इम्प्लॉयर के बीच में, सबऑर्डिनेट्स और सुपीरियर के बीच में। तो जब भी हमें काम करनी होती है तो हमें इस अग्रीमेंट को अवॉइड कर देना चाहिए, ताकि कोई भी बाउंड्री काम करने से रोक ना सके और काम अच्छे से और टाइम पे कंप्लीट हो सके। वहीं अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें, यूनिटी ऑफ कमांड, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड एंड इंडिविजुअल इम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर एट टाइम एंड इम्प्लॉय शुड बी एंसरेबल टू ओनली दैट सुपीरियर। इसमें बोल रहा है कि एक इंसान को सिर्फ एक ही इंसान ऑर्डर दे सकता है, एक इम्प्लॉय को सिर्फ उसका एक ही हेड जो एक ही बॉस ऑर्डर दे सकता है, और सिर्फ वो इम्प्लॉय उसी इंसान को अपना वर्क जो भी होगा वो सबमिट करेगा और उसी को अपना आंसर देगा कि ये उसने क्यों कैसे किया। अगर चार लोग एक इंसान के पीछे पड़ जाएंगे, एक इम्प्लॉय के पीछे पड़ जाएंगे, तो वो बहुत ही ज्यादा कन्फ्यूज हो जाएगा, उससे उसके वर्क को बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद हम फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, जो कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मींस दैट देयर शुड बी ओनली वन हेड वन प्लान फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटी हैविंग द सेम ऑब्जेक्ट। ये भी यूनिटी ऑफ कमांड की तरह ही है। इसमें बोला गया है कि एक ग्रुप में सिर्फ एक ही हेड होना चाहिए जो अपने इम्प्लॉय सारे इम्प्लॉय को काम दे और उन पर नजर रखे, क्योंकि अगर बहुत सारे हेड्स होंगे तो लोग डाइवर्ट हो जाएंगे और अपने काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। वही हम सिक्स पॉइंट देखते हैं, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल इंप्लॉय। यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसी भी इंप्लॉय के ऊपर हम लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को रखना होगा। अगर हम लोग किसी भी इंप्लॉय के इंटरेस्ट को ऊपर रखते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, तो एक इंप्लॉय हर महीने बोलेगा कि उसको 10 छुट्टी चाहिए, तो उससे क्या होगा, वर्क पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा और आपका काम जो होगा वो बहुत ही खराब होने लग जाएगा और वो टाइम पे पूरा नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले हमको अपना काम कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको उसके हिसाब से आपको छुट्टी मिलेगी। तो पहले हमको ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट को ध्यान में रखना है, उसके बाद हमको किसी भी पर्सनल या फिर इंडिविजुअल को ध्यान में रखना है। उसके बाद हम सेवन पॉइंट की तरफ देखते हैं, रेम्यूनरेशन टू इंप्लॉय। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, द इंप्लॉय शुड पे फॉर रेम्यूनरेशन विच शुड गिव देम एटलीस्ट अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यहाँ पे बोल रहा है कि हमको अपने एम्प्लॉय को इतना पे करना चाहिए, रेम्यूनरेशन इतना सैलरीज देना चाहिए कि जिससे कि वो अपने लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को मेंटेन रख सके या फिर बढ़ा सके।
उसके बाद हमारा पॉइंट है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द सुपीरियर शुड अडॉप्ट इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन इंस्टेंट ऑफ कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन एंड कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन। हमारे जो सुपरवाइजर है उनको हमेशा ही इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन को अडॉप्ट करना चाहिए, ना कि कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन को और कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन को। उसके बाद हमारा 9 पॉइंट आता है जो कि है स्केलर चेन। इट रेफर्स टू द फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी विच मूव्स फ्रॉम हायर टू लोअर रैंक इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर हम यहाँ पे डायग्राम की बात करें तो ए बी सी डी ई एफ जी एक एम्प्लॉय लाइन है और ये भी एक एम्प्लॉय लाइन है। अगर एफ को पी से कॉन्टैक्ट करना होगा तो उससे पहले उसको अपने ए अपने हेड ए से कॉन्टैक्ट करना होगा, उसके बीच में उनके जो सब हेड है वो ई डी सी और बी को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, देन आफ्टर वो एल एम एन ओ को कॉन्टैक्ट करेंगे, फिर वो पी को कॉन्टैक्ट करेंगे। इसे ही स्केलर चेन बताया गया है। फिर अब हम आते हैं ऑर्डर। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर राइट पर्सन शुड प्लेस एट राइट जॉब एंड राइट थिंग शुड प्लेस एट राइट प्लेस। यहाँ पे बोला गया है कि सही इंसान जो कि कैपेबल है उसको ही नौकरी मिलना चाहिए और एक राइट टाइम पे मिलना चाहिए ताकि वो अपने काम को अच्छे से कर सके। वहीं अगर हम 11 पॉइंट की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द मैनेजर शुड ट्रीटेड देयर सबऑर्डिनेट्स एज फार एज पॉसिबल सो दैट दे डेवलप द फीलिंग ऑफ डेडिकेशन ऑफ देयर वर्क। तो इसमें बताया गया कि जो मैनेजर होते हैं, जो हेड होते हैं, जो सुपीरियर होते हैं, उनको अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ अच्छा रिलेशन रखना चाहिए, अच्छे से उनके साथ बिहेव करना चाहिए ताकि वो अपने अंदर डेडिकेशन का फीलिंग को जगा सके और अपने काम को अच्छे से कंप्लीट कर सके। वहीं 12 पॉइंट की तरफ हम लोग देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ अ पर्सन। According to this principle, there should be stable of tenure of employees so that the work should be continue effectively. यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम किसी employee को stability दे देते तो वो अपने काम को और भी ज्यादा अच्छे से करता है। अगर उसको पता होता है कि अगले महीने उसे चले ही जाना है तो वो उतने अच्छे से काम नहीं करता, जैसे कि अगर उसे पता हो कि यहाँ पे उसको पूरे टाइम रहना है तो वो अपने काम को अच्छे से करता है। वहीं अगर 13 पॉइंट की बात करें तो ये है इनिशिएटिव। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी गिव एन अपॉइंटमेंट इन मेकिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव प्लान। यहाँ पे जो एम्प्लॉय होते हैं उनको इनवाइट किया जाता है कि आप आओ और अपने ओपिनियंस दो कि कैसे काम को और भी बेटर किया जा सकता है। वहीं अगर हम लोग लास्ट पॉइंट स्पिरिट ऑफ दी कॉर्प्स की बात करें तो इसमें बताया गया कि एज पर दिस प्रिंसिपल अ मैनेजर शुड कंटिन्यूअली मेक एफर्ट टू डेवलप अ टीम स्पिरिट अमंग दी सबऑर्डिनेट्स। टू डू दिस ही एंड शी शुड यूज दी वर्ड वी इंस्टेंट ऑफ आई ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन विद द सबऑर्डिनेट। तो इसमें बताया गया कि एक सुपीरियर या मैनेजर एक टीम स्पिरिट को जगाने के लिए वो हमेशा वी वर्ड का यूज करता है, ना कि आई का, मतलब कि हमेशा वो हम वर्ड का यूज करता है आई की जगह पे, जिससे कि टीम स्पिरिट बढ़ जाता है और लोगों को लगता है कि ये काम सिर्फ एक बंदे की वजह से नहीं हुआ, सबकी वजह से हुआ, तो वो और भी ज्यादा अच्छे से काम करते हैं। तो होप आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।